बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। बहुत पहले मुझे किसी ने कमेंट किया था कि आप ऐसी हिजाब कैप बताएं जिसके अंदर जो है वो डोरी नहीं हो टाई करने के लिए, और साथ ही में जो है वो नोज पीस भी हो या फिर निकाब भी लगा हो। तो मैंने आज इसी तरीके की जो है वो हिजाब कैप बनाई है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो इस हिजाब कैप को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर देखिए फैब्रिक का एक पीस लिया है। ये फैब्रिक जो है वो टी शर्ट वाला फैब्रिक है जो कि स्ट्रेच होता है। देखिए इस तरीके से दोनों तरफ से ये स्ट्रेच होता है, पर जहाँ से ज़्यादा होता है वहाँ से हम चेहरे की गोलाई का हिस्सा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है इस तरह लंबाई में कपड़े को कट करके रखा है। तो मैं आपको इसकी विड्थ बता देती हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक इसकी विड्थ जो है वो 14.5 इंच है। आप चाहें तो 15 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई इतनी ली है, और यहाँ पर हम इसकी लंबाई देख लेते हैं। तो लेंथ मैंने यहाँ पर देखिए इसकी जो है वो 21 इंच ली है। ये जो लेंथ होगी वो हमारे जो हमारा फोरहेड रहेगा उसकी गोलाई के हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे, और हाफ़ इंच हम एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने हाफ़ इंच बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये जो फैब्रिक है वो स्ट्रेच होने वाला है, इसलिए हम 21 इंच पूरा यहाँ पर लेंगे। और जब हम सिलाई करेंगे तो इसका हाफ़ करने के बाद में हम इसके अंदर सिलाई करेंगे। और एक पीस मैंने यहाँ पर लिया है जो कि हम निकाब के तौर पर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पर जो लंबाई वाला हिस्सा है इसे इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो ये जो हिस्सा हम फोल्ड कर रहे हैं ये हमारे जो है वो फोरहेड पे सामने की तरफ आएगा। तो यहाँ पे हम इसे 2.5 इंच के करीब में फ़ोल्ड कर रहे हैं। हाफ इंच हमने अंदर की तरफ फ़ोल्ड किया है, यानी टोटल आपको 3 इंच लेना है यहाँ पे फोल्डिंग के लिए, और फिर यहीं पे हम सिलाई लगा देंगे। ये जो हिजाब कैप है ये बहुत ही ज़्यादा आसान है, और बहुत जल्दी आप मिनटों में इसे रेडी कर सकते हैं। और आपके पास अगर जो है वो स्ट्रेच होने वाला फैब्रिक नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कॉटन के फैब्रिक में भी बना सकते हैं, या घर पे अगर आपके पास कोई भी एक फैब्रिक मौजूद है छोटा सा इस साइज़ का तो आप उससे बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे फ़ोल्ड किया है, देखिए हाफ़ फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे यहीं से सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे बराबर पर फोल्ड कर लिया है, और फिर यहीं सामने से ही हम सिलाई लगाएंगे। अगर आपको जो है इसके अंदर डोरी वगैरह लगानी है तो ये हिस्सा आपको छोड़ देना है, लेकिन हम इसके अंदर डोरी नहीं यूज़ कर रहे हैं, और ये फेस की गोलाई के हिसाब से ही रहेगा। तो ये हिस्सा आप कम मत करिए, अगर कम करेंगे तो टाइट हो जाएगी आपकी कैप। अगर आप कॉटन का फैब्रिक यूज़ करें तो उसके अंदर आप 1/2 इंच से लेके 1/4 इंच तक एक्स्ट्रा फैब्रिक रखिए ताकि वो थोड़ी सी लूज़ रहे। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर डबल सिलाई लगा दी है। तो इसे मैं आपको टर्न करके भी बता देती हूँ। तो ये कैप का जो है वो सामने वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो हमने फोल्ड किया था कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। इसे हम दोबारा से पलट लेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि हमें इसके अंदर अब कैसे सिलाई लगानी है। सिलाई वाले हिस्से को हम बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, देखिए इस तरीके से, और फिर यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर सामने की तरफ से फ़ोल्ड करेंगे। इस तरह फोल्ड करने के बाद में हम जो है इसकी लंबाई ले लेते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल जो हिजाब कैप की जो लेंथ रहेगी इस जो स्टाइल में बनाने की हमारी कैप वो 11 से 11.5 इंच तक ही रहेगी। इससे ज़्यादा अगर आप बनाएंगे तो आपकी जो कैप है वो पीछे की तरफ से ज़्यादा लटक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने 11 इंच पे मार्क किया और फिर इसी पर हम डबल सिलाई लगा देंगे। अब मैं इसे खोल के आपको दिखा देती हूँ। तो हमारी एक सिंपल सी हिजाब कैप बन के रेडी हो चुकी है, देखिए इस तरीके से ये दिखाई देगी। बहुत ही आसान है देखिए इस कैप को बनाना। तो हमने इसे यहाँ पे देखिए रेडी कर दिया है। अब यहाँ पे हमें जो है नोज़ पीस लगानी है, तो कैसे लगानी है वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये हमारा सिलाई वाला हिस्सा है, इसे हम बिल्कुल इस तरीके से रखेंगे और फिर हमें यहाँ पर नाप लेना है। तो उसके लिए हम यहाँ ऊपर से 4 इंच पर हम मार्क करेंगे, यानी 4 इंच पर ही हमें हमारी जो नोज़ पीस रहेगी या फिर निकाब रहेगा वो अटैच करना होता है। तो यहाँ पे दोनों तरफ हमें मार्किंग करनी है। तो निकाब का साइज़ आपको मालूम होना चाहिए कितना बड़ा हम पीस यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम 4.5 इंच चौड़ा जो है वो फैब्रिक लेंगे एक्स्ट्रा, और इसकी लेंथ जो होगी वो 6 इंच तक होगी, यानी जो हम अलग से फैब्रिक यहाँ पे अटैच करेंगे सामने की तरफ जो रहेगा वो आपका चिन कवरेज भी बन जाएगा, और साथ में आप जो है इसके अंदर निकाब भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रखा है। इसकी चौड़ाई लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। तो इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच तक है, और जो ये लंबाई में है वो 10 इंच तक है। तो हमने जो है इसे डबल फोल्ड किया है, इसे अब हम सिलाई लगाएंगे। तो उसके लिए हम दोबारा से इस तरह फोल्ड करेंगे, यानी हम उल्टी तरफ से इसके अंदर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे।
तो एक तरफ से हमने इस पर सिलाई लगा दी है, सिलाई के हिस्से को बीच में रखेंगे और फिर हम दोनों तरफ से सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देंगे ताकि हम जो है इसे पलट सकें। तो देखिए इस तरीके से हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो हमने सिलाई लगाई थी उस सिलाई को हमें पहले सेंटर में रखना है ताकि जब हम इस पीस को अटैच करें हमारे हिजाब कैप में तो हमारा जो सिलाई वाला हिस्सा है वो बिल्कुल भी दिखाई ना दे। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है, इसे अब हम यहाँ से पलट लेंगे। और ये जो हिस्सा खुला वाला रह गया था इसे अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा के इसे भी बंद कर देंगे। तो हमारे पास ये छोटा सा पीस जो है वो रेडी हो चुका है निकाब के तौर पे। तो किस तरह इसे अटैच करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये हिस्सा जो हमने मार्किंग किया था यहाँ पे ही हमें अटैच करना है, लेकिन पहले मैं आपको डमी को पहना के बता देती हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। आप भी जो है पहले हिजाब कैप को रेडी करिए, उसके बाद में नोज पीस को रेडी करिए। तो पहले अगर आप पहन लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको कितना यहाँ पर लेना है। देखिए ये हिस्सा कुछ इस तरीके से रहेगा सामने की तरफ। यहाँ पे जो हमने मार्किंग की थी बिल्कुल मार्किंग हमारी एकदम सही बैठी है। तो आप अपने चेहरे के हिसाब से जो है मार्किंग करिए और यहाँ पे हम स्टिच करेंगे थोड़ा सा। तो एक हिस्सा पहले मैं आपको स्टिच करके बता देती हूँ और दूसरे हिस्से पे आप चाहें तो बटन वगैरह भी लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट स्टिच कर सकते हैं। तो पहले हम एक तरफ स्टिच करेंगे, उसके बाद में हम इसकी लेंथ देख लेते हैं कि हमें कितना जो है इसमें रखना है सामने की तरफ। देखिए इस तरीके से आप दूसरी तरफ भी एक साथ में अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ अटैच किया है और फिर हम जो है अब इसकी लेंथ देखेंगे कि कितना टाइट हमें यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे आप चाहें तो पिन लगा सकते हैं या फिर प्रेस बटन भी लगा सकते हैं या आप डायरेक्ट भी सिलाई लगा सकते हैं। अगर स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो आप सिलाई लगाने तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अगर आप कॉटन के फैब्रिक में बना रहे हैं तो आप साइड में बटन लगा ले तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ सिलाई लगा दी और आप देख सकते हैं कि बनने के बाद में ये जो हिजाब कैप है निकाब के साथ में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। और इसे जो है आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपको लंबी नोज पीस बनानी है इसके साथ में तो आप अटैच कर सकते हैं, क्योंकि ये लगाने के बाद में आप जो है दुपट्टा जब इसके ऊपर कवर करेंगे तो आपको साइड से आपके दुपट्टे को घुमाते हुए यहाँ पर लपेटना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है पहनने के बाद में। तो मैं इंशाल्लाह आगे की वीडियो में आपको बताऊंगी किस तरीके से आप दुपट्टा इसके ऊपर रैप कर सकते हैं। और पीछे का जो हिस्सा रहेगा वो आपका जूड़ा वगैरह कवर करने के लिए है। और इस हिस्से पे भी आप चाहें तो बारीक लेस भी लगा सकते हैं, जैसा मतलब आपको पसंद आए। तो यहाँ पे हमारी जो हिजाब कैप है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है निकाब के साथ में, नोज़ पीस के साथ में। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो जो है आपको पसंद आएगी। और इस हिस्से को देखिए आप इस तरीके से नीचे भी कर सकते हैं, जैसे चिन कवर के हिसाब से भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसे जब आपको नोज़ पीस के तौर पे यूज़ करना है तो आप इसे ऊपर कर सकते हैं, इसे टाइट करना है तो आप साइड में पिन लगा लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर हर तरह का हिजाब स्कार्फ और अबाया की वीडियोज़ इंशाल्लाह मिलते रहेंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।